और ये मैगी आ चुकी है हमारी ठंड में गरम गरम, और सब कैसे भाग रहे हैं देखो मैगी की तरफ, मैगी और जगह पकड़ने के लिए। आई थिंक खाने पीने चाहिए के रेस्टोरेंट टाइप का है आई गेस होटल। इससे आपको राइट साइड की तरफ जाना है नीचे, और ये साइड है आपका नैनीताल लेक व्यू, और इसके लेफ्ट में आपको दिखेगा हिमालय व्यू जो आप देखते हुए आ रहे थे अभी ऊपर की तरफ। तो चलिए आगे नैनीताल का व्यू देखते हैं कैसा होता है। इसमें लोकेशंस आते हैं बीच बीच में फ़ोटोशूट के लिए, ये पेड़ गिरा हुआ है और एक की लोकेशन बन गई फ़ोटोशूट की। पूरा रास्ता है 3 किलोमीटर का, चलते चलते हो गया है हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर, 1.5 आवर लगेगा जब आप नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। ब्रेक लेते लेते आना, ऐसा कुछ है नहीं कि हम डायरेक्ट ही चल रहे हैं। ये जंगलों वाला सीन देखो, ये रास्ता जा रहा है पूरा ऐसे ऐसे ऐसे, और ये आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। अब बस यही है एंट्री, लोग खड़े हैं, मेरे को लगता है वहीं से सीन होगा। जिस व्यू के लिए हम लोग ट्रैक करके आए हैं नीचे से 3 किलोमीटर और ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स, उस ट्रैक का जो मज़ा है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि क्या है। चलिए वाले पहाड़ भी कितने अच्छे लग रहे हैं ना मोंटी, जिनके बीच बीच में पूरा वो कोहरा जैसा, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। यहाँ तो जितने यहाँ के फोटोग्राफर्स हैं ना, ये लोग सब, ये इनके नेसेसरी पोजेस होते हैं। ओके, तो मैंने मोंटी को यहाँ पकड़ लिया है और उससे पूछते हैं यहाँ से जो टॉप में हमें दिख रहा है वहाँ से हम क्या क्या चीज़ें स्पॉट कर सकते हैं। जब आप नैनीताल आओगे तो ऑब्वियसली आप कुछ कुछ जगहों पे घूमोगे, लेकिन इस टॉप से जो आप देखोगे तो वही हम मोंटी से पूछते हैं। तो मोंटी बताना, ठीक है पहले मैं इस कैमरे को फ्रंट कैम में स्विच कर लेता हूँ, और ठीक है यहाँ से बताना क्या क्या हमें दिखता है मोंटी। एक तो ये जो फील्ड दिखता है आपको राइट, जो वहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं, और जो कोई भी अगर यहाँ पे फेस्ट होता है, अगर कार्निवल होता है कोई भी, और कोई भी सेलेब आता है तो यहाँ पे शोज यहीं पर होते हैं। और फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं वो तो लेक है हमारी, वहाँ पे अभी बोटिंग हो रही है, वो भी दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद हमारा इस साइड पे लेफ्ट को देखते हैं तो यहाँ पे वो है रोप वे, ये 2 टावर दिख रहे हैं ओके राइट, ये ऊपर वाला। और उसके बाद इधर देखते हैं तो ये रडार्स हैं जो एयरफोर्स के रडार हैं राइट। हाँ, ये एरिया जो है ये इसको एयरफोर्स का है ये कैंप पूरा, और ठंडी सड़क के राइट में इस तरफ ठंडी सड़क है, और वो मॉल रोड है जो हम लोग देख रहे हैं राइट। और जो ये ब्लू कलर का टॉप और जो वाइट लाइन दिख रही है ये है मॉल रोड, जहाँ पे आप लोग क्लासिक होटल है घूमते होंगे राइट। तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है हम सब के लिए, मजा आ गया। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया।
तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे। दीवानी तू मेरी मैं तेरा बादल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी। मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा, तेनू ना बोल पावा मैं तू आप ही समझ जा। मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा, तेनू ना बोल पावा मैं तू आप ही समझ जा। सामने बैठ जा तकदा जाऊं, अखियों में तेरी गुम हो जाऊं, मुझे ढूंढ ना फिर कोई। मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा, तेनू ना बोल पावा मैं तू आप ही समझ जा। मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा, तेनू ना बोल पावा मैं तू आप ही समझ जा। Cause those hands and lights can't stop me, I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. Now with you, oh, oh, oh. Now with you, oh, oh, oh. So we are done for the day. ऐसी कुछ था चीना पीक या चाइना पीक आप जो भी बोल लो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा देख के सीन। अभी सनसेट हो जाएगा कुछ देर में, 4 बज रहे, सनसेट हो जाएगा अराउंड 4:35। अलग अलग लोकेशन का अलग अलग सनसेट टाइमिंग है क्योंकि आपको पता ही है पहाड़ वगैरह, राइट। तो एक पहाड़ ज़्यादा ऊंचा है तो वहाँ से आपका सन वैसे ही नीचे को हो जाता है। तो यही कुछ था चाइना पीक, जहाँ से नैनीताल का पूरा लोकेशन आपको दिखता है, तो इस पॉइंट को मिस करने का नहीं, राइट। और आई होप आपने इंजॉय किया होगा इस ब्लॉग को। अब चलते हैं हम घर की तरफ। Just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. I'll be lurking, I'ma hurt 'em.